हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स टुडे हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपको RRBPO के लिए हिंदी प्रोवाइड कराते हैं, और थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ अ टॉपिक? एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ टॉपिक, ये सिर्फ वो टू डू लिस्ट है जो मैं यूज़ करता था अपने टाइम पे, और मेरा पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर हुआ। तो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको सही राह पे ले जाए, या फिर ऐसा कुछ होगा कि जिससे आपको ये पता लगे कि जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हो वो काफ़ी हद तक सही है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता कि जो हम फॉलो कर रहे हैं, जिस रूटीन के थ्रू हम जा रहे हैं, क्या वो हमें एकदम सही रास्ते पर ले जाएगा या नहीं। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ज़रा उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उनके लिए थोड़ी सी सूचना है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर आप सिंपली टाइप कर दीजिए एडिक्यूटर पीयूष यादव, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप टच करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको डेली ही मिल जाता है रीडिंग आर्टिकल, जो बहुत ही बेहतरीन होता है। कहानियाँ होती हैं, निबंध होते हैं, व्यंग्य होते हैं, उपन्यास होते हैं, और ये बिल्कुल जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल होती है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम वाली होती हैं चीज़ें, जो बिल्कुल लैंग्वेज एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सेम हूबहू वही आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम को, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आर्टिकल्स के अलावा जो भी मेरी क्लासेस रहती हैं उनकी जानकारी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो चलिए, जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मेनली दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो होते हैं, दो तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं जो मॉर्निंग प्रीफर करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए अपनी मॉर्निंग प्रीफर करते हैं। कुछ मेरे जैसे होते हैं जो नाइट प्रीफर करते हैं। कहने का क्या मतलब है कि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जल्दी जगते हैं, 3 या 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक जग जाते हैं, उसके बाद वो अपना पूरा काम निपटाते हैं और रात में सो के फिर से सुबह से अपनी स्टडीज शुरू करते हैं। कुछ होते हैं मेरे जैसे। अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मेरा जो रूटीन था वो कुछ इस तरीके से था कि मेरा जो दिन शुरू होता था, माई डे, ये स्टार्ट होता था 11 AM आइदर 12 AM, ये मेरे दिन की शुरुआत थी। इसके बाद में क्या होता था कि जैसे मैं जाकर नॉर्मली फ्रेश वगैरह होके, आप जब अपना ब्रेकफास्ट करने जाते हो, देखो 12 बजे फैमिली थोड़ी सी सपोर्टिव होनी चाहिए, मेरी का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली है। तो अगर आप 12 बजे जाग रहे हो तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं हमेशा करंट अफेयर पढ़ता था, हमेशा। ये मेरी आदत थी कि करंट अफेयर को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, ब्रेकफास्ट करते जाएंगे, करंट अफेयर अपनी पढ़ लेंगे। और करंट अफेयर मैं कहाँ से फॉलो करता था वो मैंने कई बार आपको बताया है। एक तो अफेयर्स क्लाउड, दूसरा करंट अफेयर्स फंडा, ये दो ऐसे सोर्सेस थे जहाँ से मैं हमेशा ही करंट अफेयर पढ़ता था। आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ, इस करंट अफेयर को मैं वीडियो मोड पर पढ़ता था, यानी कि करंट अफेयर्स फंडा वाले डेली एक वीडियो डालते थे, वहाँ से मैं ये वीडियो अपनी तैयार कर लेता था ब्रेकफास्ट के टाइम पे। और साथ में मैंने इनका PDF सब्सक्रिप्शन भी ले रखा था, तो जब मंथ का एंड होता था तो वहाँ पे इनकी एक काफ़ी लंबी PDF आती थी जिसमें पूरे मंथ के करंट अफेयर्स होते थे। तो डेली वीडियो प्लस मंथली करंट अफेयर। और बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि सर कितने मंथ्स की हमें करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, तो मेरा पर्सनली सजेशन है कि अगर आपका सेप्टेम्बर में एग्ज़ाम है तो आप एटलीस्ट फेब से शुरू कर दो, और इतनी नहीं कर पा रहे तो मार्च से तो करनी ही करनी है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक। और डेली की भी पढ़नी है, मंथली भी पढ़नी है, लगातार। और दो सोर्स फॉलो करिए जिससे कि आपके क्वेश्चंस ना के बराबर इस छूट पाएँ, क्योंकि कई बार एक ही चैनल सारी चीज़ें कवर नहीं कराता है, ये आप सब जानते हो। तो यहाँ पे ये मेरा ब्रेकफास्ट से शुरू होते होते मेरा करंट अफेयर शुरू हो जाता था, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा टाइम अभी दिया नहीं है पढ़ाई में, और एक टॉपिक अपना कंप्लीट करते चल रहे हैं, जबकि हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उस समय पे भी। तो मेंस की तैयारी ऑलरेडी मैंने शुरू करी थी, सुबह जग रहे हो और आपकी मेंस की तैयारी शुरू हो गई, आपको पता भी नहीं लग रहा, एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं आ रहा। इसके बाद क्या होता था, इसके बाद होता था कि 12 लगभग मान के चलिए 2 बजे के आसपास यहाँ से मैं ब्रेकफास्ट कर लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, थोड़ा सा मूड फ्रेश और हो गया, फिर 2 बजे से आप लग जाइए अपनी पढ़ाई में। खाने पीने का देखो ऐसा कोई रूटीन मत बनाया करो मेरे हिसाब से, जब आप पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ का रूटीन मत बनाओ कि इतने बजे से ये करना है।
खाली आपको अपने 24 घंटे गिनने, उन 24 घंटे में आपको अपनी साइकिल चलानी है, पढ़ाई की साइकिल कैसे कैसे चल सकती है वो आपको कंप्लीट करनी है। 2 बजे से मेरा शुरू हो जाता था, मेरा रूटीन बन गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं 2 बजे का इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये मेरे साथ थोड़ा अच्छा एक चीज़ है कि मैंने कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि जैसे मैंने अपने मन में सोचा है कि मैं 2 बजे से क्वांट पढ़ना शुरू करूँगा, ठीक है, 2 बजे से मैं क्वांट पढ़ना शुरू करूँगा, टाइम हो रहा है इस टाइम पे 1:15, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब खोल लिया, कोई भी यूट्यूब का चैनल खोल लिया, और यहाँ पे मैं वीडियो ही देख रहा हूँ, मैं पढ़ाई की वीडियो ही देख रहा हूँ। ये मेरे अंदर अच्छी आदत थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर ये आदत डेवलप कर लोगे तो ये जो आपने 2 बजे से क्वांट का सोचा है ना, इस बीच में बहुत कुछ कवर कर जाओगे। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैंने 2 बजे से क्वांट का सोचा है तो अब मैं कोई दूसरी वीडियो लगा देता हूँ, 2 बजे तक तो कतई पढ़ना ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ उल्टा है, मैं 2 बजे क्वांट का सोच रहा हूँ लेकिन मैंने कोई वीडियो लगा ली, वहाँ पे सपोज ये वीडियो आ रही है रीजनिंग के ऊपर, और मेरे एक दो सजेशन मैं भी और दूंगा, इसको मैं बता दूं जरा, रीजनिंग के ऊपर वो वीडियो आ रही है तो मैं वो वीडियो ही देखने लगा, और वीडियो देख मैं ज़्यादातर ऐसे ही करता था, वीडियो देखते पे ही मैं चीज़ों को सॉल्व करता था, मैं बिना कॉपी पेन के सॉल्व करता था। पजल्स आप नहीं कर सकते, लेकिन जो उसमें अल्फा न्यूमेरिक है, सिलोजिज्म है, सिलोजिज्म मेरी ये आदत है, मेरी आज भी ये आदत है कि अगर ये 2-3 सेंटेंसेस वाले जो सिलोजिज्म होते हैं मैं कभी भी उनको कॉपी पे नहीं लिखता, मैं मेरे दिमाग में वो फीड कर लेता हूँ और वो जो भी होता है मैं कर देता हूँ। अब ये गॉड गिफ्टेड है या कुछ भी है, वॉट एवर यू कैन से, लेकिन इस तरीके की चीज़ें आप डेवलप कर लो। और ये रीजनिंग, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं ये रीजनिंग चल रही होती थी तो ये कहाँ से चल रही होती थी उसके बारे में भी ज़रा जान लो। हमेशा हम YouTube अपना शुरू करते हैं, जैसे आपने YouTube का ऐप खोला तो आपका क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट्स आ गई, कोई आप और चीज़ें देखते हो वो चीज़ों की वीडियो आ गई, एक बीच में कहीं पढ़ाई की वीडियो आ गई, ये मत करना। 2 चीज़ें कर लो जब तक पढ़ाई के फेज़ में हो, सिर्फ 2 चीज़ें कर लो कि जब तक आपको ऐसा दिमाग में ना आ जाए कि आज की आपने काफ़ी हद तक पढ़ाई कर ली है, तब तक आपको क्या करना है, आप 2 ID से YouTube खोल लो। सपोज़ आपने 1 ID A से खोला है, 1 ID B से खोला है, ID A से सिर्फ पढ़ाई करो, इससे सिर्फ पढ़ाई करो, B ID से आपको अगर अपना कोई मूड फ्रेश करना है, मूड फ्रेश करना है, और वो भी कब करना है, जब आपको दिमाग को ऐसा लगने लगे कि आज का वो पूरी तरह से पढ़ चुका है, उस समय पे आप B ID को खोल के कुछ भी अपना मूड फ्रेश कर लो। लेकिन जब आप जाग रहे हो, जब आप दिन में अपना YouTube खोल रहे हो, आपको हमेशा AID ही ओपन करनी है, जिससे आप जैसे ही चीज़ें खोलोगे जो आप पढ़ रहे हो उसी की वीडियो आपके सामने आएगी, ये YouTube की बहुत अच्छी बात है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा आप, ये जो मिस्टेक्स आप करते हो ना कि एक ही ID पे आप YouTube चला रहे हो, ये चीज़ मत किया करो। पढ़ाई की वीडियो देखो आराम से, जैसे आप खोलोगे पढ़ाई का ही कुछ आएगा सामने, तुरंत उसको क्लिक कर लो, तो जो आप सोच रहे हो वो उससे ज़्यादा ही आप पढ़ाई करते रहोगे। तो अब मैं आगे के अपना आपको बता देता हूँ जो मेरी टू डू लिस्ट में चलता था। अब ये देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो नॉर्मली कोई भी बच्चा कर देता है। अब 2 बजे के आसपास से, अब हाँ मैंने आपको बता दिया 2 बजे मैंने सोचा है, लेकिन उससे पहले भी मैं पढ़ रहा हूँ मेरे रीजनिंग के, आप खुद सोचो मैं किस लेवल पर वो पढ़ रहा हूँ, मैं कॉपी पेन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं लगातार अपने दिमाग में वो क्वेश्चन बना रहा हूँ, उनको फीड कर रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप भी डेवलप कर लो, बहुत मदद मिलती, बहुत जल्दी एनालिटिक्स हो जाती हैं आपके दिमाग में। फिर 2 बजे से मैंने प्रीलिम्स का पढ़ना शुरू कर देता था, 2 बजे के आसपास से मेरा प्रीलिम्स शुरू हो जाता था, और इसमें क्वांट और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट होते थे। करने का तरीका क्या होता था, करने का तरीका ये होता था, आइदर मैं क्विज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता था कि इतने समय तक ये कर रहा है, नहीं, मेरा सिंपल सा था, क्विज कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मन किया फिर से यूट्यूब खोल लिया, कई सारी क्लासेस डली रहती हैं, वहाँ से कोई DI लगा ली, पज़ल लगा ली, ये चीज़ें कर ली, कोई प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ा है वो कर लिया, फिर इसके बाद कोई PDF उठा ली, काफ़ी सारी PDF अवेलेबल होती हैं तो वहाँ PDF से आपने कुछ पज़ल्स लगा दी। और मोस्टली मेरी जो पढ़ाई है वो मैंने यूट्यूब से ही की है, एकदम फ्री पढ़ाई करी है, मैंने कोई भी पैसा कहीं नहीं दिया, यूट्यूब से ही मैंने पढ़ाई करी है। बस यूट्यूब में जो भी मुझे पढ़ना है, मेरा मन कर रहा है मैं पज़ल लगाऊंगा, मैं डाल देता था RRBPO पज़ल, ये आपने डाल दिया यूट्यूब पे, बतेरी वीडियो आ जाएंगी, पढ़ लो वहाँ से। पढ़ने का मतलब क्या है, बस आपको तो कंटेंट चाहिए, आप देख रहे हो कंटेंट और पढ़ते जा रहे हो। इसी तरीके से जो भी मेरा मन करता था मैं इसी तरीके से, मतलब एकदम वो खिचड़ी टाइप का जो होता है ना, जहाँ पे मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहा,
बस मेरा मन जो कर रहा है मैं करता जा रहा हूँ, मैं प्री डिसाइडेड नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा मन जो कर रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ, लेकिन पढ़ रहा हूँ, लगातार पढ़ रहा हूँ। और ये 2 बजे से ऐसे चलते चलते हो जाता था, 5 बजे से 6 भी बज जाता था। इसके बाद में 6 बजे के बाद में कुछ ऐसा समय आता है शाम के टाइम में कि जहाँ पे आपको मतलब ऐसा समय होता है कि आप कोई भी प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं सकते, ये सबके साथ होता है। तो 6 से 7-8 बजे तक का समय ऐसा है कि आप बिल्कुल फ्री घूम रहे हो। अब इसमें आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, आपको अगर यूट्यूब देखना है तो यूट्यूब देख लो। मेरे हिसाब से तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा मम्मी के पास बैठ जाओ, पापा के पास बैठ जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। अपनी बहन से बात कर लो, भाई है उसके साथ खेल लो, ये चीज़ें कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब उसके बाद 8 बजे से फिर शुरू हो रहा है। अब 8 बजे से क्या कर रहे हैं, 8 बजे से हम बैठ गए भाई मेंस के लिए, बिल्कुल मेंस के लिए बैठ गए। अब मेंस में हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, यही चीज़ मैंने यूट्यूब पर डाल दी फॉर मेंस, RRBPO क्विज या RRBPO पजल्स फॉर मेन या फिर DI फॉर मेंस, ये मैंने डाल दिया। अब वहाँ से मैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरा 8 बजे से शुरू हो जाता था और ये लगभग चलता था 12 बजे तक, ईजिली 12 बजे तक खींच जाता था। और इसमें मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेता था, मैं हिंदी की एटलीस्ट एक वीडियो तो देख ही लेता था। और मेरे टाइम पे दुर्भाग्य क्या था, ये मेरा दुर्भाग्य था कि इस टाइम पे हिंदी का कोई चैनल था ही नहीं, तो मुझे जो मिल रहा था मैं वहाँ से पढ़ रहा था कुल मिला के। अब हिंदी का मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा था तो मुझे उतनी ज़्यादा कभी दिक्कतें हुई नहीं। लेकिन जैसे आज जो चैनल मैं चला रहा हूँ, अगर इसी तरह का कोई चैनल उस टाइम पर चल रहा होता तो बहुत मदद मिलती। लेकिन जो भी था, हिंदी का बैकग्राउंड था, अच्छा था, 26-27 तक नंबर आ गए इसमें आराम से, तो हिंदी भी इसमें बीच में कवर कर लिया, रीजनिंग और क्वांट तो चल ही रहा है, साथ में करंट अफेयर आप पहले ही पढ़ चुके हो, और जो मंथली वाली जो करंट अफेयर है वो उसकी PDF है ही आपके पास, क्योंकि मैंने तो अपना सब्सक्रिप्शन ले रखा था, आप लोग के पास सबके पास अवेलेबल हो जाती है जो भी तैयारी कर रहा होता है। तो उस PDF से आपने डेली के डिसाइड कर लिए 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन करने ही करने, तो ये वो क्वेश्चन है जो आप पहले पढ़ चुके हो, तो इसमें ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डालना, ये क्वेश्चंस भी आपके हो गए इन्हीं 3-4 घंटों में। हिंदी का आपको कितना जल्दी से जल्दी देखते हो तो 20 से 25 मिनट में हिंदी दिख जाती है आराम से। इस PDF को करने में कितना समय लगता है, एक क्वेश्चन का 1 मिनट लगता है, 1 घंटा इसमें लग जाता है बना, और लगभग 20 से 25 मिनट में हम अपना कर लेते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या था, या तो आप क्विज देख लो, या फिर मेरे हिसाब से तो आप क्विज या वन लाइनर की अपेक्षा आप हमेशा कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखा करो। उससे होता यह है कि आपको बहुत सी जानकारी हो जाती है, पहले आप उन कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ को देख लो, फिर उसके बाद किसी भी MCQ पे चले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे 2 घंटे के अंदर ही आपके ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ जाते थे, हिंदी भी हो जाता था, करंट अफेयर रिवाइज भी हो जाती थी जो हम मंथली करते थे, और इसके बाद में क्या हो जाता था, हम कंप्यूटर भी पढ़ लेते थे। फिर जी ये जो 2 आवर बचे हैं ना अभी भी, इनमें ये जो दो आवर ये जो चल रहे होते थे ना, ये क्वांट और रीजनिंग के ही चल रहे होते थे, लेकिन एडवांस लेवल पे चल रहे होते थे। और आपके अंदर ये आदत डेवलप आपको करनी पड़ेगी कि आप एक जगह पे बैठ के बहुत कुछ कर सकें। अब वो चीज़ चाहे आप बेड पे बैठ के करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन करो। 12 बजे का समय हो गया, थोड़ा सा फिर कुछ खा पी लो, लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि मैं बीच में पढ़ रहा हूँ मैं कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, नहीं, वो खाना पीना तो चलता रहता है, वो उसका तो टाइम आप जोड़ा ही मत करो। आप खा रहे हो उस टाइम पे आप करंट अफेयर की बगल से आप PDF लेके बैठ जाओ, कुछ भी करो, हमें तो पढ़ने से मतलब है। फिर इसके बाद 12 बज गया, अब इसके बाद नंबर लग रहा भाई मॉक टेस्ट का। अब यहाँ पे 12 बजे के बाद में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो 12 से लेके 3 के बीच में। अब ये मेरा मन है, चाहे मैं प्री का टेस्ट दे दूँ, चाहे मैं मेंस का दे दूँ। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप डेली डेली मेंस का टेस्ट दे रहे हो, ये पॉसिबल भी नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि जब तक मेंस का अपन प्री नहीं दे आते तब तक हम मेंस के मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाते। लेकिन हाँ, 1 हफ्ते में 2 मेंस के मॉक टेस्ट देने में कुछ नहीं जाता, 2 घंटे का समय लगता है, आप दे दिया करो। नंबर जो भी है हमेशा इंप्रूव ही होगा, कभी नीचे नहीं जाओगे। प्रीलिम्स के आप 12 से 3 में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो दे ही सकते हो। अब इसमें जो आपकी चीज़ें छूट गई हैं वो कर लिए, मेंस में अगर मेंस का मॉक टेस्ट दिया उसमें कुछ चीज़ें छूट गई तो उसको आप तो देख रहे हो कि किस तरीके से वो चीज़ें हुई थी, तो आराम से 12 से 3 का वो समय हो जाता था। तो यहाँ पे वो चीज़ें थी कि 3 बजे के आसपास आप, अभी भी सोने का समय नहीं आया, खुद सोचो मैं कितने बजे जग रहा हूँ, मैं 11 या 12 बजे जग रहा हूँ, यानी कि मैं 5 से 6 बजे तक पढ़ रहा हूँ। अब ये 3 से 6 या 3 से 5 का जो समय है ना, यहाँ भी देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका एक ऐसी अवस्था आ जाती है, आप 8 बजे से पढ़ रहे हो, 3 बजे तक 3:30 या 2:30 बजे तक आप लगातार बैठ के पढ़ रहे हो, अब आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाने लगता है, आपको नींद आने लगेगी हो सकता है। फिर थोड़ा सा आप खा पी लो, थोड़ा सा टहल लो, उस समय पे ये जो आधा घंटा जो होता था ना, ये अब ऐसा समय ना तो आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं,
ना किसी को दे सकते। यहाँ पे आप अपना कुछ भी, चाहे आप सॉन्ग सुन लो, कोई वीडियो देख लो, अगर आपको यूट्यूब स्क्रॉल करना है यूट्यूब स्क्रॉल कर लो, सोशल मीडिया से दूर रहने में ही भलाई होती है, तो ये चीज़ें कर लो। अब जैसे ही फिर उसके बाद भी एक डेढ़ जो घंटा रहेगा ना, अब यहाँ पे देखो मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्यों था कि मैंने अगर थोड़ा सा भी 20 मिनट भी अगर मैंने यूट्यूब अगर स्क्रॉल कर लिया या फिर कोई और वीडियो देख ली, उस समय की बात कर रहा हूँ, तो दिमाग में ऐसा आता था कि बहुत देर देख लिया, थोड़ा सा पढ़ाई वाली वीडियोज़ देख ली जाएँ, तो मैं फिर से स्विच कर जाता था AIDP पे। स्विच कर दिया AIDP पे, अब वहाँ पे क्या मिल रहा है, पढ़ाई की वीडियो ही आ रही है लगातार सामने, तो जो बना रहा है वो वाली वीडियो देख ली। अब वहाँ पे इस समय पे ना कोई कॉपी है हाथ में ना कोई पेन है, बस वो वीडियो देखते जा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आ रहा है, दिमाग में सॉल्व कर रहे हैं। और मोस्टली मैं इस टाइम पे करता था सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लिया, क्वाड्रेटिक कर लिया, और ये सब दिमाग में ही हो रहा होता था। अब आप लोग जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक कर लिया, रीजनिंग के छोटे वाले टॉपिक कर लिए, जितने भी हो सकते थे वो सब दिमाग में ही होते रहते थे। तो ये चीज़ अगर करना थोड़ा शुरू करोगे ना, दिमाग में चीज़ें सॉल्व करना शुरू करो, हमेशा ही इम्प्रूवमेंट मिलेगी और दिमाग में जो एनालिटिकल जो आपकी एबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन चीज़ों को यूज़ करो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना है और इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैंने बहुत से अभी यूट्यूब चैनल देखे एकदम से जैसे कुकुर मुत्ता होता है ना उसकी तरह उगाए हैं, कर क्या रहे हैं वो दिखाते हैं कि माई डेली रूटीन, ये वीडियो डालते हैं यार वो। आप खुद सोचो, हो सकता है आप में से कोई भी ऐसा होगा जो ये चीज़ देख रहा है, मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा सावधान कर रहा हूँ, अभी आप अपने करियर बनाने पे ध्यान दो, माई डेली रूटीन बाद में भी डल जाएगा। आप खुद बताओ, जिस दिन आप ये वीडियो डालते हो माई डेली रूटीन की, उस दिन आप खुद एक बार बताओ आप कितना समय बर्बाद कर देते हो। आप वहाँ कैमरा सेटअप करते हो, आप कुछ चीज़ें एडिट करते हो बाद में, फिर आप वीडियो एडिट करके आप डाल देते हो यूट्यूब पे, आपने डाल दिया, फिर आप खुश हो रहे हो कि इस पे व्यू आ रहे हैं। आप खुश हो रहे हो इस पे व्यू क्यों नहीं आ रहे हैं, आप सब्सक्राइबर देख रहे हो अपने के बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ ये जो रियलिटी है वो ये रियलिटी है कि जो आप उस डेली रूटीन वाले में दिखाते हो वो आपका डेली रूटीन नहीं होता, आप वहाँ पे शो ऑफ करते हो, हमेशा ही करते हो। कितने ऐसे बच्चे हैं भाई जो टेबल और चेयर पे बैठ के लगातार वो दिखाते हैं कि भाई हम सुबह से शाम तक टेबल से चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। आप अगर पढ़ने बैठे हो आप एक घंटे बाद आप बेड पे पहुंच जाओगे, थोड़ी देर में आप कहीं और, कहीं आप लेट के पढ़ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें तो होती हैं हमारे साथ और ये हर किसी के साथ होती हैं। जो आप वहाँ दिखा रहे हो वो फॉल्स चीज़ है, और जो लोग इन चीज़ों को देख रहे हो आप भी अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आप उनसे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करते हो। आप नीचे कमेंट कर रहे हो तो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप जरूर सक्सेस होगे, भैया आप क्यों देख रहे हो उनको, मत देखो, आप केवल अपनी पढ़ाई की चीज़ों पे ध्यान दो। मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, लेकिन ये सचमुच है, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की चीज़ों पे ध्यान दो, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें खराब लग रही हो, जो ये इस तरह की वीडियो बनाते हैं उनको ये खराब लग भी रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है, आपको अभी नहीं बनानी चाहिए। आप सक्सेस हो जाओ, करियर अपना बना लो, आपको जो डेली रूटीन है कुछ भी दिखाना है वो फिर खराब दिखाओ, लोग आपको ज़्यादा एफिशिएंसी से देखेंगे, वो देखेंगे कि ये एक ऑफिसर है, ये अपनी डेली की लाइफ दिखा रहा है, लोगों में एंजाइटी बढ़ जाती है कि एक बैंकर की लाइफ कैसी होती होगी। हालांकि होती तो वो, अगर आप ब्रांच में हैं तो आप तो कस्टमर से परेशान रहते हैं, आप रीजनल ऑफिस में तो आप ब्रांचेस से परेशान रहते हैं, कुल मिला के परेशानी परेशानी है। और हाँ, बस ये है कि टाइम पे सैलरी आ जाती है, अच्छे खासे पर्क्स अलाउंसेज हैं, वो अलग चीज़ है, मोटिवेटेड अलग है, उसमें सबकी चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन जो आज आपके सामने मैं बताने वाला था, अपना टू डू लिस्ट, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, कुछ भी, ये बिल्कुल रियलिटी है। अगर आप इस तरीके से करते हो, मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ये कर लो ये कर लो, आपको अपनी पढ़ाई की साइकिल पूरी करनी है 24 घंटे की, जिसमें आपको 6 से 7 घंटे सोना है और बाकी के टाइम में आपको अपने हिसाब से साइकिल पूरी करनी है पढ़ाई की। प्री भी होना चाहिए, मेंस भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि मेंस के लिए आपने अपने घंटे निर्धारित कर रखे हैं कि मैं एक घंटा में क्वांट मेंस वाला पढ़ूंगा, मैं आधा घंटा ये करूँगा, मेरा डिसाइडेड है कि मैं एक वीडियो अपनी हिंदी की देख लूँगा, मैंने देख लिया, अब वो मैंने चाहे स्किप करके मैंने 10 मिनट में देख लिया, चाहे मैंने 15 मिनट में देख लिया, मुझे कंप्यूटर करना है, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं केवल 25 क्वेश्चन ही करूँगा उसके, या फिर मैं कोई केवल एक ही चैप्टर मेरा पढ़ने का मन कर रहा है कंप्यूटर का, मैं उतना ही करूँगा, क्योंकि मैं बहुत पहले से मेंस की तैयारी करना शुरू कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो तैयारी शुरू की थी वो मैंने जून या जुलाई में करी थी, मुझे ध्यान भी नहीं है मैंने कब की थी, पहली बार जब मैंने शुरुआत की थी जून या जुलाई से, आई थिंक जून एंडिंग से की होगी, जहाँ तक मुझे ध्यान है जून एंडिंग के आसपास से मैंने तैयारी की थी, और उसके बाद में मैंने मेंस को पहले फोकस किया, मैं मेंस के पेपर देख रहा था, मुझे प्रीलिम्स से कुछ नहीं लेना देना था, स्पीड का क्या है वो तो आ ही जाएगी, स्पीड तो केवल प्रैक्टिस से आनी है,
और प्रैक्टिस आप तब ज़्यादा करोगे ना कि जब आप अपने अंदर की क्षमताओं को बढ़ा पाओगे। हम लोग प्रीलिम्स में प्रैक्टिस करते रहते हैं, मेंस को हम ध्यान नहीं देते, तो वो चीज़ें भी नहीं करनी है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, कैसे चीज़ें करनी है कैसे नहीं करनी है उन चीज़ों पर आप ध्यान दो, ठीक है। और एक खुशखबरी जो आपके लिए है वो है, वो ये है कि PDF आपकी लॉन्च होने वाली है हिंदी की जुलाई के सेकंड वीक तक ये आ जाएगी। दो तरीके से रहने वाला है, अगर आपको PDF प्लस सॉल्यूशन चाहिए, PDF प्लस उसका सॉल्यूशन, ये आपको मिलेगा 149 रुपीज़ में। अगर आपको इसका चाहिए वीडियो सॉल्यूशन, इस PDF का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, वो आपको मिलेगा 300 रुपीज़ में, बिल्कुल सिंपल। और इसमें क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वो 1500 प्लस ही रहेंगे, हर टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये है जो आपको जुलाई के आखिरी वीक तक सेकेंड वीक तक मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको कुछ सीखने को मिला है, या आपको समझ में आया कि आज आपने कुछ गलत कर रहे थे, उन चीज़ों को थोड़ा संभालना है, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने जो आपके लवेबल्स हैं उनको आप शेयर कर दो कि वो भी जो गलतियाँ कर रहे हैं वो भी सीख जाएँ। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए।